Hi everyone, myself Mayank Diwan, your property expert of Chandigarh Tri-City from Diwan Realtors. In continuation of our series on impact of coronavirus on real estate, today we have Mr. Satish Katyal, director of HLP Group, with us, a very well-known, humble and analytical person. Namaskar sir. Sir, today we want to know the impact of coronavirus on real estate, and it would be great if you can tell us individual impact on residential, commercial and industrial sector. नमस्कार मैं जी, आज किस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है कि हम वीडियो कॉल पर इस समय बात कर रहे हैं। जैसा कि सबको मालूम है, लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है। क्वेश्चन आपका बड़ा ही वाजिब है कि रियल एस्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा कोरोना वायरस लॉकडाउन का। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी पहले कि हम रियल एस्टेट में क्या क्या काउंट कर रहे हैं। देखो, रियल एस्टेट में जैसा आप तो अच्छी तरह से जानते हो, रेजिडेंशियल सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है। रेजिडेंशियल की अगर बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हमने जहाँ तक अपनी सर्वे की है, हम ट्राई सिटी मार्केट की बात कर सकते हैं कि उसमें जितना भी अभी तक प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, जितना भी है, वो एज पर डिमांड ही सब रेडी हो रहा है। बहुत अच्छे से सब सर्वे करके ही अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और उतार रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि ओवर सप्लाई वाला यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल सेक्टर की। देखो, रेजिडेंशियल सेक्टर में जिसको घर की ज़रूरत है, उसको उसके प्लान्स पहले से बने हुए हैं। शायद इस लॉकडाउन पीरियड में और अच्छे से सर्वे की हो, डिजिटली बहुत सारा कुछ आज कुछ सब कुछ अवेलेबल है, सबने बड़ा अच्छे से देखा हो। और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी डाउन आ गए हैं, अराउंड 7% के करीब बैंक से लोन्स अवेलेबल हो रहे हैं। उसके भी बड़े रीजंस हैं और मे भी आगे आने वाले टाइम में और भी कुछ नीचे आए, क्योंकि लोगों का हम देख रहे हैं बॉन्ड्स खरीद रहे हैं या पेपर गोल्ड खरीद रहे हैं, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है। अगर बैंक के पास पैसा आ गया तो बैंक को उसको आसान या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो इस तरह से रेजिडेंशियल सेक्टर मेरे ख्याल से हो सकता है 1-2 महीने की कुछ छोटी मोटी करेक्शन रहे, समझने समझाने के लिए थोड़ा सा लोगों को वक्त लगे और इस टाइम को उभारने के लिए भी वक्त लगे, लेकिन 1-2 महीने के बाद ही मेरे को लगता है कि रेजिडेंशियल सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी आने वाली है। सेकेंडली हम बात करते हैं कमर्शियल सेक्टर की। हर एक को एक चाव रहता है कि मेरी एक एडिशनल इनकम होनी चाहिए, तो उसके लिए कमर्शियल सेक्टर सबसे बेस्ट है। हम एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर लेते हैं कि शायद मैं अपना कोई और काम भी कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास एक कमर्शियल है तो मेरे पास उससे एक इनकम आ रही है। हम सोशल स्केल में भी ऐसा ही कर रहे हैं, प्लान्स दे रहे हैं ताकि लोग इन्वेस्ट करें, ताकि उनकी इनकम भी जनरेट हो जाए आने वाले टाइम में, और अच्छे रेंटल्स के साथ उनको फ्यूचर भी उनका सेफ रहे। तो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट जो सी है वो पहले से भी है और आज भी पूरी तरह से बनी हुई है और अच्छे रिजल्ट्स इस लॉकडाउन पीरियड में भी आए हैं। थर्डली आती है बात इंडस्ट्रियल सेक्टर की। देखो, इमोशनली या डर से किसी भी वजह से शायद आने वाले वक्त में हम शायद चाइना का माल इस्तेमाल ना करें, वहाँ से इंपोर्ट में कमी आए, हर दुकानदार भी शायद इंपोर्ट वहाँ से कम करे क्योंकि कंजम्पशन शायद आने वाले टाइम में चाइना के माल की कम होगी। लेकिन सप्लाई कम हुई है, डिमांड कम नहीं हुई, यहाँ पर ज़रूरतें उतनी ही हैं और सबको सामान उसी तरीके से चाहिए भी है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में लोगों को बिजनेस और ग्रोथ करने के लिए और नए बिजनेस खोलने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो अपना और इंडस्ट्री लगाएं और यहाँ पर ही माल बने जैसा भी डिमांड अवेलेबल होगी मार्केट में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत अच्छा चलने वाला है। तो मेरे को ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो मेरे को लगता है रियल एस्टेट में एक बहुत अच्छा आगे आने वाला चांस है और शायद ये एक इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर का काम भी करने वाला है। जी सर, जैसे इस टाइम पे लोग अनसर्टेन हैं प्रॉपर्टी बाय करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी में, तो व्हाट इज योर सजेशन फॉर देम? मेरी सजेशंस
इन्वेस्टर्स के लिए या बायर्स के लिए वो यही है आने वाले समय में कि वो बिल्डर को भी अच्छे से परखें और जिस प्रोडक्ट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है या अपने यूज़ के लिए लेना है उसको भी अच्छे से परखें, और जिसकी जैसे ज़रूरत है, अगर किसी की घर लेने की ज़रूरत है वो घर पर पैसा लगाए, अगर किसी को एडिशनल इनकम की ज़रूरत है तो कमर्शियल में पैसा लगाए, और अगर किसी को आगे अपनी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरत है तो इंडस्ट्रियल में पैसा लगाए। सर, एज वी ऑलवेज वॉन्ट टू इम्प्रूव आवर सर्विस, वट इज योर फीडबैक ऑन दीवान रियल्टर्स? मुझे पर्सनली दीवान रियल्टर्स की, स्पेशली मयंक जी की, एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी आपकी, कि आप जिस भी बिल्डर के साथ काम करते हैं पहले उसकी परख करते हैं, पूरी इंटरव्यू लेते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार हम मिले थे तो आपने 30-40 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई हुई थी। तो मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप आज HLP के साथ काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए एक बड़प्पन की बात है। और आप जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब आए हैं कि लोगों तक पहुंचने के लिए, जो डिजिटली आप ये शुरुआत कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत ही बड़ा उपयोगी होगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इन डेप्थ व्यूज। फॉर आवर व्यूअर्स, HLP ग्रुप हैज मेड इट वेरी वेरी इजी फॉर यू टू बाय एंड इन्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन HLP बेला होम्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, यू कैन जस्ट बुक अ फ्लैट विद 1% बुकिंग अमाउंट। इन HLP सोशल स्क्वेयर, विच इज ए कॉमर्शियल ऑन पटियाला हाईवे, यू कैन गेट 100% कैश बैक ऑन योर 1% बुकिंग अमाउंट एज ए रिफंड। एंड इन HLP गलेरिया, विच इज लोकेटेड इन हार्ट ऑफ मोहाली, एवरी बुकिंग के साथ आपके मदर, आपके डॉटर या आपकी वाइफ के नाम पर अप टू 11 लाख रुपीज तक की FD और हेल्थ इंश्योरेंस 3 साल के लिए 10 लाख रुपए तक की आपकी फैमिली को एज ए एडिशनल बेनिफिट मिलेगी। तो अवेल कीजिए इन स्कीम्स को। एंड इफ यू हैव एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग रियल एस्टेट, जस्ट कॉल मी। थैंक यू।